नमस्ते योग के शौकीनों, आज हम उस दिन के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया भर के योगियों को एकजुट करता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अपने कैलेंडर में 21 जून 2024 का दिन जरूर लिख लीजिए, क्योंकि हम इस शानदार दिन की 10वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस बार का थीम है खुद और समाज के लिए योग। योग को एक संतुलनकारी क्रिया समझिए जो मन और शरीर को एक करता है, विचारों को काम से जोड़ता है और अनुशासन को आत्मसंतुष्टि से। भारत की ये प्राचीन कला शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलुओं को एक साथ लाती है। हमारी तेज जिंदगी में शांति का जरिया बनकर ये स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का पूरा रास्ता दिखाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ योग के गहरे प्रभाव को नहीं मानता, बल्कि हमें इस शक्तिशाली प्रैक्टिस के लिए एक साथ लाता है। 2024 का थीम खुद और समाज के लिए योग बहुत खूबसूरती से योग के मूल तत्व को बताता है, जो कि अपने आप में और समाज में तालमेल लाने वाली ताकत है। आइए अब गहराई में देखें कि क्या चीज योग को इतना फायदेमंद बनाती है। ये सिर्फ शारीरिक मुद्राओं के बारे में नहीं है, ये तो नर्वस सिस्टम में संतुलन बनाने, आपकी मूड और एनर्जी लेवल को बढ़ाने और आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण को बेहतर बनाने के बारे में है। आने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आइए हम योग को अपनी जिंदगी में और गहराई से शामिल करने का वादा करें। ये एक ऐसा दिन हो जहां हम सिर्फ आसन ही न करें, बल्कि उस शांति और संतुलन के बारे में भी सोचें जो ये हमारी जिंदगी और समाज में लाता है। तो चाहे आप एक अनुभवी योगी हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, याद रखिए, हर एक मुद्रा बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा शांति और एक सामंजस्यपूर्ण समाज की तरफ एक कदम है। योग को अपनाइए, तंदुरुस्ती को अपनाइए, अभ्यास करते रहिए और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैट पर मिलते हैं। नमस्ते।